तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो वायरस फैला हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा एक सवाल इमर्ज हो रहा है कि क्या किटन या कैट्स हैं या हमारे पेट्स से हमें ट्रांसफ़र हो सकती है चीज़। मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ वीडियो के स्टार्ट में ही कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही कैट्स के अंदर या डॉग्स के अंदर ये वायरस जा सकता है, ना ही कैट्स या डॉग्स में से वायरस आप लोगों को पहुँच सकता है। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं WHO का वो भी लगा दूँगा, स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा जो उन्होंने बताया है, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम बिल्लियाँ निकाल दें या बिल्लियाँ फेंक दें अपने घरों से या कुत्ते निकाल दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इनसे कोई ऐसी बीमारी ट्रांसफर नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों ने कैट रखे हैं, रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको हमेशा एक परेशानी फेस करनी पड़ती है कैट की वैक्सीनेशन से रिलेटेड। कैट की वैक्सीनेशन से रिलेटेड मैंने 2 से 3 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और आप लोगों को कभी इस तरह की कोई वीडियो नहीं मिलेगी देखने को। आज मैं बात करूँगा कि किस तरह से किस टाइम आप लोगों ने कैट या किटन की वैक्सीनेशन नहीं करवानी। अगर उस टाइम आप लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उनको मसला हो सकता है, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। ये वीडियो छोटी सी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 से 3 पॉइंट्स मैं इसके अंदर बताऊंगा, आप लोगों ने सुन लेने हैं, एंड तक लाजमी देख लेने वीडियो, आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोगों की बिल्लियों का फ़ायदा है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा कि आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर कैट्स से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती हैं। और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, यार आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करें वीडियो को। और तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में एक बात मैं क्लियर करता हूँ, जब भी आप वैक्सीनेशन करवाते हैं ऐसा पॉसिबल है कि आपका किटन या कैट 1 से 2 दिन के लिए बीमार हो जाए, डाउन हो जाए, खाना कम खाए या खाना खाए ही ना। अगर 1 से 2 दिन से ऊपर ये चीज़ जाती है तो आप लोगों ने फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल है, नॉर्मल है। जब कैट की वैक्सीनेशन करवाते हैं वो इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काबिज़ होती है, तो थोड़ा सा कैट डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस में भी आती है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किटन से, ये किटन को कब कब वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए, पहली बात ये कि जैसे ही आपका किटन 2 महीने से अबव हो और उसकी हेल्थ अच्छी है, 2 महीने से ज़्यादा की और हेल्थ अच्छी है, तो आप लोग उसकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अगर आपका किटन 45 दिन का है, 50 दिन का है, 55 दिन का है, बेशक उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवानी। कुछ वेट्स कर देते हैं इस चक्कर में, पैसों के चक्कर में भी कर देते हैं वैक्सीनेशन, लेकिन उस टाइम करवाना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं। और मैंने देखा है अक्सर काफ़ी ज़्यादा जो किटन्स हैं वो बीमार हो जाते हैं इसी वजह से, और बहुत एक्सट्रीमली हद तक बीमार हो जाते हैं क्योंकि वक्त से पहले उनकी वैक्सीनेशन कर दी जाती है। फिर अगर आपका किटन अगर बीमार है, अगर वो बेशक वो 2.5 महीने का है, अगर उसको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम है, उसको बेशक वोमिटिंग आई है, उसको लूज मोशन आया है, उसको कहीं पे ज़ख्म लगा हुआ है, तो आप लोगों ने वैक्सीनेशन से अवॉइड करना है, तब तक अवॉइड करना है जब तक वो पूरी तरह से सेहतियाब नहीं हो जाता। सेहतियाब होने के बाद भी 3-4 दिन या हफ्ते बाद आप लोगों ने जाके उसकी वैक्सीनेशन करवानी है, उससे पहले नहीं करवानी है आप लोगों ने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की मामला होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ऑनलाइन स्टोर विजिट नहीं किया तो लाजमी कर लें, यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी, जिनमें शैम्पूज, फिश ऑयल, मल्टी विटामिन और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आपके कैट्स एंड डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हमने कर ली बात किटन्स की कि अगर किटन बिल्कुल 2 महीने से ज़्यादा कैस सेहतमंद है, एक्टिव है, तो आप लोग उसकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अगर बात करें कैट्स की, तो कैट्स में सबसे ज़्यादा जब मसला आ रहा होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग प्रेग्नेंट होती है कैट आपकी 1 महीने से ज़्यादा की प्रेग्नेंट होती है और उसको वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, तब उसके किटन्स के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा होता है और कैट्स के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा होता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा अगर आप लोगों ने प्रेगनेंसी के अंदर वैक्सीनेशन करवानी, तो अगर आपकी कैट 20 दिन के अंदर अंदर 20 दिन हुए हैं मेटिंग किए हुए, तब आप लोग करवा सकते हैं उसकी वैक्सीनेशन, तब आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 1 महीने के आसपास या 1 महीने से ऊपर जाता है, आप लोगों ने उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवानी बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको पिछले साल वैक्सीन करवाया था, कैट की उम्र 2 या 3 साल की है, पिछले साल वैक्सीन करवाई थी, तो आप कोशिश करें उसके प्रेगनेंसी में उसको वैक्सीनेशन करवाएं ही ना, और जब बच्चे वो डिलीवर कर दे उसके भी तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद आप लोगों ने वैक्सीन करवानी है, क्योंकि जो वैक्सीन का असर है वो दूध में जाएगा और हो सकता है कि वो बच्चे बर्दाश्त ना कर सकें उस चीज़ को, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1.5 से 2 महीने आप लोगों ने वेट करना है डिलीवरी के बाद, और प्रेगनेंसी में भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसकी वैक्सीनेशन ना करवाई जाए। और यहाँ पे दूसरी जगह पे आपने जहाँ वैक्सीन नहीं करवानी, अगर आपकी कैट हीट पर है तो कोशिश करें वो 6-7 दिन 5-6 दिन वैक्सीनेशन ना करवाएं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही होती है उसके अंदर, तो उस टाइम आप लोगों का वैक्सीन करवाना बिल्कुल भी नहीं बनता। वो 5-6-7 दिन या 10 दिन भी अगर हैं वो गुजार लें आप, फिर आप लोग जाकर उसकी वैक्सीनेशन करवाएं।
फिर एज यूजल किटन्स की तरह ही अगर आपकी कैट बीमार है, उसे कोई भी प्रॉब्लम है, खाना नहीं खा रही, लूज मोशन कर रही है, वॉमिटिंग कर रही है, किसी भी तरह की छोटी सी मसला छोटा सा ही मसला है, आप लोगों ने उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवानी, पहले उसको ठीक करना है, पूरा ट्रीटमेंट करवाना है, उसके भी एक से डेढ़ हफ्ते बाद जाके वैक्सीनेशन करवानी है। और फिर एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लोगों की कैट्स 5, 6, 7 साल की होती हैं लेकिन वो वैक्सीनेशन करवाते रहते हैं। ये मेरा आप लोगों को सजेशन है कि जैसे ही आप लोगों की कैट आपने 2 दफ़ा करवाई हैं 3 दफ़ा करवाई वैक्सीनेशन, उसके बाद आप लोगों को वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो 4 साल के ही है, 5 साल की है कैट आपकी, क्योंकि उसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो हर तरह की वायरल इन्फेक्शन है उसको बर्दाश्त कर सके। तो कोशिश किया करें कि जब आपकी कैट एजिड होना स्टार्ट हो जाए, 4, 5, 6 साल की हो जाए, उसकी वैक्सीनेशन ना करवाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी सारी बातों की समझ आ चुकी होगी और आप लोगों ने ये चीज़ें अवॉइड करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं ये। और आप लोग मुझे बताया करें कि इस तरह के किन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में बताया करें लाजमी। और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को यार लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। यहाँ का इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, वहाँ फॉलो कर लें, चैनल के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।